तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा एलईडी बल्ब के ड्राइवर आता है इसमें जितने भी कंपोनेंट्स दिया जाता है ये सारे कंपोनेंट्स को हम इस मल्टीमीटर से कैसे चेक कर सकते हैं। जैसे कि इस ड्राइवर के नीचे में कुछ कंपोनेंट्स है और इसके ऊपर में कुछ कंपोनेंट्स है, तो ये सारे कंपोनेंट्स को मैंने एक एक करके इस मल्टीमीटर से चेक करना सिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हमें मल्टीमीटर को ऑन करना पड़ेगा। तो मैंने मल्टीमीटर को ऑन करके यहाँ पर डायोड मोड में सिलेक्ट कर लेता हूँ जो कि हमारा बजर मोड होता है। तो यहाँ पर हमारा मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी आना चाहिए, इस दोनों प्रोब को लगाने से साउंड आना चाहिए। जैसे कि अभी हमारा साउंड आ रहा है यानी कि हमारा मल्टीमीटर सही है। तो चलिए दोस्तों जहाँ पर हमारा ड्राइवर में 220 वोल्ट एसी जो सप्लाई होता है उसका दोनों वायर जहाँ पर दिया जाता है वहाँ से हम एक एक करके सारे कंपोनेंट्स को चेक करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ऊपर की सारे कंपोनेंट्स को चेक करना बताऊँगा, उसके बाद ये नीचे में जो भी सारे कंपोनेंट्स है उसको चेक करना बताऊँगा। तो सबसे पहले देख सकते हो यहाँ पर एक रजिस्टर है जो कि हमारा फ्यूज रजिस्टर होता है और इसका दो लेग होता है, ये एक लेग और ये दूसरा लेग। तो ये दोनों लेग पर हम दोनों प्रोब को लगा के इसको चेक करेंगे। तो मैंने इसको उल्टा कर लेता हूँ क्योंकि इसका पीछे की साइड में इसका दोनों लेग है। यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा रजिस्टर है और ये इसका दोनों लेग है, आप लोग वीडियो में देख सकते हो। तो चलिए मैंने दोनों प्रोब को लगा रहा हूँ और यहाँ पर देखिए मैंने दोनों प्रोब को लगा रहा हहूँ और यहाँ पर हमारा कुछ वैल्यू आ रहा है और यहाँ पर हमारा वैल्यू आ रहा है 88, यानी कि ये जो हमारा रजिस्टर की जो वैल्यू है जो ओम होता है वो हमारा 88 ओम है। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा 88 ओम दिखा रहा है और हमारा रजिस्टर सही है। अगर आपका रजिस्टर का वैल्यू 50 ओम से नीचे का होगा तो उसमें आपको साउंड भी नज़र आएगा ये वैल्यू के साथ, यहाँ पर साउंड भी आएगा। जैसे हमारा इसको शॉर्ट करने से साउंड आता है वैसे साउंड आएगा। तो इसका वैल्यू 50 ओम से ज़्यादा है तो इसीलिए यहाँ पर साउंड नहीं आ रहा है। और दोस्तों अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, जैसे कि वैल्यू नहीं आएगा और साउंड नहीं आएगा, तो वो रजिस्टर ख़राब होगा, आपको उस रजिस्टर को हटाकर नया रजिस्टर लगाना पड़ेगा उसी वैल्यू का। और उसका कलर कोड देखकर आप उसका वैल्यू को पता कर सकते हो। अगर आपको वैल्यू पता नहीं चलता है तो आप यहाँ पर लगभग 47 ओम के रजिस्टर को लगा लीजिए 1 वाट का, वो आपके लिए सही रहेगा। तो दोस्तों उसके बाद देख सकते हो ये एक ब्लैक कलर की ड्रम इंडक्टर कॉइल है, तो इसका दो लेग होता है, मैंने आपको पीछे की साइड से दिखा देता हूँ, ये एक लेग और ये दूसरा लेग। तो ये दोनों लेग पर हम दोनों प्रोब को लगाएंगे और यहाँ पर हमारा साउंड आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों मैंने दोनों प्रोब को लगा रहा हूँ और यहाँ पर हमारा साउंड आ रहा है, यानी कि ये जो हमारा ड्रम इंडक्टर कॉइल है ये हमारा सही है। अगर यहाँ पर साउंड नहीं आता तो ये कॉइल हमारा ख़राब होता, क्योंकि इसके अंदर हमारा कॉपर की वाइंडिंग दिया जाता है और वो दोनों कॉपर की जो वाइंडिंग होता है वो दोनों वायर हमारा ये दो पॉइंट में मिलता है, तो यहाँ पर हमारा शॉर्टिंग दिखाता है। तो इस प्रकार से अगर शॉर्टिंग दिखाएगा तो ये हमारा कॉइल सही होगा। और दोस्तों उसके बाद देख सकते हो ये हमारा ब्लू कलर की कंपोनेंट है जो कि हमारा MOV होता है, यानी कि मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर। तो इसको हम चेक करेंगे, तो इसका दोनों लेग पीछे की साइड में है, ये एक लेग और ये दूसरा लेग। ये दोनों लेग पर हम मल्टीमीटर के दोनों प्रोब को लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों मैंने दोनों प्रोब को लगा के दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको कोई भी वैल्यू नहीं आना चाहिए, यहाँ पर देख सकते हो 1 आ रहा है और आपको उल्टा करके लगाना है प्रोब को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ भी वैल्यू नहीं आना चाहिए। अगर कुछ भी वैल्यू आता है या फिर शॉर्टिंग आता है यानी कि साउंड आता है इस प्रकार से लगाने से, तो आपका जो ये MOV होगा ये ब्लू कलर का ये आपका शॉर्ट होगा और इसका मतलब होता है कि आपके आगे में जो भी सारे कंपोनेंट्स दिया जाता है उसमें से कोई कंपोनेंट शॉर्ट है, जिसकी वजह से ये हमारा MOV शॉर्ट हो जाता है। सबसे पहले आपको इसको एक नया डालना पड़ेगा, ख़राब को निकाल देना है, एक नया डालना है। अगर वो नया वाला भी शॉर्ट हो जाता है तो इसका मतलब है आपकी सर्किट ख़राब है। जैसे कि ये ब्रिज रेक्टिफायर को चेक करना पड़ेगा, IC चेक करना पड़ेगा, इसमें से अगर कोई कंपोनेंट्स ख़राब होगा तो ये हमारा MOV शॉर्ट होता है। ये हमारा प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है MOV और ये रजिस्टर। तो दोस्तों इस ड्राइवर सर्किट में MOV के बाद आता है हमारा ये दोनों कैपेसिटर, जैसे कि रेड कलर की दो कैपेसिटर देख रहे हैं। इसको बहुत सारे लोग PFB बोलते हैं क्योंकि इसका जो वैल्यू होता है वो हमारा पिको फैराडे में होता है, तो इसीलिए इसको PFB बोलते हैं, लेकिन असल में ये हमारा कैपेसिटर होता है। तो ये दोनों कैपेसिटर की दो दो चार लेग होता है, जैसे कि ये पहला कैपेसिटर है तो इसका यहाँ पर दोनों लेग है, आप लोग देख सकते हो, और ये हमारा दूसरा कैपेसिटर है तो इसका यहाँ पर दोनों लेग है, आप लोग देख सकते हो वीडियो में। तो इसी प्रकार से ये दो कैपेसिटर की हमारा चार लेग होता है। तो चलिए दोस्तों इसका दोनों लेग पर हम मल्टीमीटर की दोनों प्रोब को लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मैंने मल्टीमीटर की दोनों प्रोब को लगाया हूँ और यहाँ पर हमारा मल्टीमीटर में कोई भी वैल्यू नहीं आना चाहिए और कोई भी आवाज़ नहीं आना चाहिए। अगर वैल्यू या फिर आवाज़ आता है तो आपका जो ये कैपेसिटर होता है ये ख़राब होगा, क्योंकि इसमें कोई भी शॉर्टिंग नहीं होता है। अगर नया कैपेसिटर अगर आप चेक करोगे तो कोई भी शॉर्टिंग कोई भी वैल्यू नहीं दिखाएगा। तो दोस्तों इसके बाद देख सकते हो यहाँ पर हमारा और एक MOV है, ये हमारा पहला MOV था और ये हमारा दूसरा MOV है।
तो इसका दोनों लेग को मैंने आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये इसका पहला लेग और ये इसका दूसरा लेग। तो यहाँ पर हमें मल्टीमीटर की दोनों प्रोब को लगाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर मल्टीमीटर की दोनों प्रोब को लगा रहा हूँ और यहाँ पर हमारा वैल्यू आ रहा है, लेकिन हमारा वैल्यू नहीं आना चाहिए। यहाँ पर क्यों वैल्यू आ रहा है मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों ये जो हमारा सर्किट बोर्ड होता है, ये जो ड्राइवर जो सर्किट होता है, जितने भी सारे सर्किट होता है उसमें हमारा बहुत सारे कंपोनेंट्स लगाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक आईसी है, ब्रिज रेक्टिफायर, यहाँ पर रजिस्टर वगैरह, और ये कैपेसिटर लगाया जाता है। तो इनका जो प्रिंट होता है, यानी कि जो इनका जो कनेक्शन होता है वो एक दूसरे के साथ रहता है, तो इसीलिए यहाँ पर हमारा वैल्यू आ रहा है। लेकिन अगर आप ये एमओवी को इस बोर्ड से हटाकर चेक करोगे तो यहाँ पर वैल्यू नहीं दिखाएगा। अगर यहाँ पर शॉर्टिंग बताएगा, यानी कि इस प्रकार से मैंने दोनों प्रोब को लगाया इसका दोनों लेग में और यहाँ पर हमारा मल्टीमीटर में साउंड आ गया, तो ये हमारा ख़राब होगा। उसी हाल में हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो इस प्रकार से वैल्यू दिखाता है बहुत सारे कंपोनेंट्स हमारा। तो दोस्तों ये एमओवी के बाद हमारा ये दोनों कैपेसिटर आता है, जो कि हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होते हैं। और दोस्तों देख सकते हो ये दोनों कैपेसिटर की वैल्यू सेम है, इसके ऊपर लिखा गया है 50 वोल्ट 2.2 माइक्रोफेरेड है। तो दोस्तों ये कैपेसिटर में हमारा दो लेग होता है, एक नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है। तो ये जो नेगेटिव वाला पट्टी दिया गया है, ये वाला साइड का जो लेग होता है ये हमारा नेगेटिव लेग होता है, और दोस्तों इसका जो उल्टा साइड में जो लेग होता है वो हमारा पॉजिटिव लेग होता है। तो इसका पीछे से मैंने आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा पहला कैपेसिटर की दोनों लेग है, ये वाला लेग नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ये हमारा दूसरा कैपेसिटर की दोनों लेग है, ये हमारा नेगेटिव और ये हमारा पॉजिटिव। तो चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर मल्टीमीटर की दोनों प्रोब को लगाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं आना चाहिए, यहाँ पर नहीं आ रहा है। और अभी मैंने प्रोब को उल्टा करके लगाता हूँ, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा वैल्यू आ रहा है। ये जो वैल्यू आता है, मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ पर बहुत सारे ये कैपेसिटर होता है और ये हमारा आईसी लगा हुआ होता है, तो इनका पिन का यानी कि इनका लेग का कनेक्शन रहता है, तो इसी वजह से यहाँ पर वैल्यू दिखाई दे रहा है। लेकिन असल में ये हमारा वैल्यू नहीं होता है कैपेसिटर का। तो अभी यहाँ पर वो वैल्यू नहीं आ रहा है, ये देखिए आ गया। तो वो वैल्यू होता है इस ड्राइवर आईसी का। तो ये सर्किट का वैल्यू वो दिखा देता है, और वैसे हम दूसरा कैपेसिटर में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी वैल्यू आएगा। वैसे सर्किट का वैल्यू ये देख लीजिए, यहाँ पर वैल्यू आ रहा है, लेकिन ये हमारा कैपेसिटर की वैल्यू नहीं है दोस्तों। और अभी मैंने उल्टा कर लेता हूँ, तो देखिए तो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं आना चाहिए, यानी कि जो हमारा कैपेसिटर की नेगेटिव होता है वहाँ पर हम नेगेटिव प्रोब को लगाएंगे, और जो कैपेसिटर की पॉजिटिव होता है वहाँ पर हम पॉजिटिव प्रोब को लगाएंगे, तो कोई भी वैल्यू नहीं आना चाहिए। देख सकते हो कोई भी वैल्यू नहीं आ रहा है। इसी प्रकार से आप सर्किट में कैपेसिटर को चेक कर सकते हो। वैसे और एक कैपेसिटर है, आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर मैंने दिखा रहा हूँ ये वाला कैपेसिटर। ये जो नेगेटिव हिस्सा है, ये हमारा नेगेटिव है, ये नेगेटिव साइड, और ये इसका जो उल्टा साइड है वो हमारा पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव लेग और ये नेगेटिव लेग। तो इस कैपेसिटर की वैल्यू को भी देख लीजिए, 100 वोल्ट 47 मिलीवेब का है। तो यहाँ पर इसका दोनों लेग के साथ हम यहाँ पर लगाते हैं मल्टीमीटर की दोनों प्रोब। तो देखिए दोस्तों, नेगेटिव के साथ नेगेटिव, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, कोई भी वैल्यू नहीं आ रहा है। अभी मैंने उल्टा कर देता हूँ प्रोब को, यानी कि नेगेटिव के साथ पॉजिटिव को लगाऊंगा, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव को लगाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर वैल्यू आ रहा है। और दोस्तों ये जो वैल्यू होता है, ये हमारा सर्किट का वैल्यू होता है, ये हमारा इस कैपेसिटर की वैल्यू नहीं होता है। तो मैंने आपको पहले से बता देता हूँ, जैसे हमारा एमओवी में दिखाया और ये हमारा दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में दिखाया, इसमें भी दिखा रहा है, ये हमारा सर्किट का वैल्यू होता है। और चलिए इसके बाद हमारा लास्ट में आता है, ये हमारा ट्रांसफार्मर जैसा कॉइल। ये हमारा ट्रांसफार्मर जैसा दिखता है, लेकिन असल में ये हमारा कॉइल होता है। इसके अंदर कॉपर की वाइंडिंग दिया जाता है, लेकिन एक बार दिया जाता है। जैसे कि इसका दोनों पॉइंट है, ये वाला एक पॉइंट और ये दोनों पॉइंट। तो ये दोनों पॉइंट हमारा, अगर हम मल्टीमीटर की दोनों प्रोब को लगाएंगे तो यहाँ पर हमारा साउंड आना चाहिए, भीप का साउंड। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर लगा दिया हूँ और साउंड आ रहा है, यानी कि ये ट्रांसफार्मर जैसा कॉइल हमारा सही है। तो ऊपर की सारे कंपोनेंट्स मैंने आपको चेक करके दिखा दिया, अभी मैंने नीचे के सारे कंपोनेंट्स को चेक करके दिखा देता हूँ। और ये नीचे में जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स दिया जाता है वो हमारा एसएमडी कंपोनेंट्स होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक कंपोनेंट्स है, जो कि हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है, जो कि हमारा एसी करंट को डीसी में बदलता है। तो इसका जो ये वाला साइड होता है, यहाँ पर देख सकते हो, ये हमारा एसी वाला साइड होता है, और ये वाला जो साइड होता है ये हमारा डीसी वाला साइड। तो इस डीसी साइड में हमें दोनों प्रोब को लगाना है। तो देखिए दोस्तों, ये दोनों प्रोब को मैंने लगाया, कोई भी वैल्यू नहीं आ रहा है। और अभी हम पलट कर लगाएंगे, यानी कि उल्टा करके लगाएंगे, तो यहाँ पर कुछ वैल्यू आना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर वैल्यू आ रहा है। तो इसी प्रकार से आप ये ब्रिज रेक्टिफायर को चेक कर सकते हो। अगर दोस्तों यहाँ पर आपको भीप आएगा तो ये ब्रिज रेक्टिफायर हमारा ख़राब होगा, यहाँ पर भीप नहीं आना चाहिए।
जैसे कि यहाँ पर भीव नहीं आ रहा है, वैल्यू आ रहा है, एक साइड से यहाँ पर वैल्यू आना चाहिए और यहाँ पर दूसरा साइड से हमारा वैल्यू नहीं आना चाहिए, जैसे कि देख सकते हो इस प्रकार से। अगर ऐसा होता है तो ये ब्रिज रेक्टिफायर सही है। अगर कहीं पर भी आपको साउंड आ जाता है, यानी कि भीप का साउंड आ जाता है मल्टीमीटर में, तो ये जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर होता है ये हमारा ख़राब होता है। यहाँ पर आपको इस ब्रिज रेक्टिफायर को चेंज करना पड़ेगा। और दोस्तों उसके बाद आता है हमारा ड्राइवर आईसी, जो कि हमारा मेन कंपोनेंट होता है, और इसके ऊपर आपको यूट्यूब पर ज़्यादा वीडियो नहीं मिलेगा मल्टीमीटर से कैसे चेक करते हैं। तो दोस्तों ये जो ड्राइवर आईसी होता है, इसको मल्टीमीटर से चेक करने से पहले इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, ताकि आप इसको आसानी से चेक कर पाओगे। तो इसके ऊपर एक नंबर दिया जाता है, जो कि हमारा इस आईसी का नंबर होता है, लेकिन अलग अलग ड्राइवर में अलग अलग नंबर की आईसी हो सकता है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस आईसी के एक कोने में एक डॉट दिया जाता है, और यहीं जो डॉट होता है, यहीं से जो हमारा पिन होता है, वहाँ से हमारा पिन आउट शुरू होता है। जैसे कि ये हमारा फर्स्ट नंबर की पिन है, ये हमारा सेकेंड पिन है, और ये हमारा थर्ड नंबर की पिन है, और ये हमारा फोर्थ पिन है, और यहाँ पर फिफ्थ पिन और सिक्स्थ पिन, यानी कि पाँचवा और छठवा पिन हमारा एक साथ मिला हुआ है। और जो सात नंबर की पिन होता है, वो हमारा कोई कोई ड्राइवर आईसी में होता है, कोई कोई ड्राइवर आईसी में नहीं होता है। और ये हमारा लास्ट पिन आठ नंबर की होता है, तो ये हमारा आठ लेग वाला ड्राइवर आईसी होता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा सेवन नंबर की पिन है, उसको यहाँ से आईसी से हटा दिया गया है, क्योंकि वो हमारा ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कैसे चेक करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो मल्टीमीटर की ब्लैक कलर की जो प्रोब है, इसको आपको ये जो डॉट दिख रहा है, इसके पास में जो लेग होगा, जो कोई भी नंबर की ड्राइवर आईसी हो चलेगा, सभी के लिए ये फार्मूला मैंने जो बता रहा हूँ मल्टीमीटर से चेक करने का, वही आपको फॉलो करना है। तो देखिए दोस्तों, ये डॉट के पास में जो लेग देख रहे हैं, इसके साथ में आपको ये ब्लैक कलर की प्रोब को लगाना है, और बाकी के सभी प्रोब में आपको रेड कलर की प्रोब से चेक करना है। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको वैसे चेक करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने इस मल्टीमीटर की जो ब्लैक कलर की प्रोब है, उसको मैंने इस आईसी की जो डॉट के पास में पिन था उसके साथ लगा लिया हूँ, यानी कि फर्स्ट पिन के साथ लगा लिया हूँ। और अभी मैंने ये मल्टीमीटर की रेड कलर की प्रोब को सेकंड पिन के साथ लगाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा 600 के आसपास रीडिंग आना चाहिए, 585 आ रहा है, यानी कि 600 के आसपास है। और यहाँ पर कोई भी साउंड नहीं आना चाहिए, सिर्फ रीडिंग आना चाहिए 600 के आसपास। अगर रीडिंग नहीं आ रहा है, साउंड नहीं आ रहा है, तो आपका आईसी ख़राब होगा। और उसके बाद यहाँ पर मैंने थर्ड नंबर की पिन के साथ लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू हमारा नहीं आना चाहिए। और उसके बाद मैंने फोर्थ नंबर पर लगा रहा हूँ, तो कोई भी वैल्यू नहीं आना चाहिए। और अभी मैंने फिफ्थ नंबर और सिक्स्थ नंबर के साथ लगा रहा हूँ, जो सोल्डरिंग हुआ है एक साथ, यहाँ पर भी कोई भी वैल्यू और कोई भी साउंड नहीं आना चाहिए। और उसके बाद मैंने एट नंबर की पिन के साथ लगा रहा हूँ, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा 600 के आसपास वैल्यू आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर फिर से लगा के दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए दोस्तों, 584 आ रहा है। तो ये जो हमारा आठ नंबर की पिन है और ये जो सेकंड पिन है, ये दोनों पर हमारा सेम वैल्यू आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आ रहा है कितना, 586, और यहाँ पर देखिए आठ नंबर में 583, यानी कि आसपास की रीडिंग जो होता है वो आ रहा है। तो ये हमारा आईसी सही है। अगर कहीं पर भी आपको शॉर्टिंग आएगा, यानी कि साउंड आएगा, तो ये आईसी ख़राब होगा। तो इसी प्रकार से आप ये आईसी को चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, ये आईसी के बाद यहाँ पर एक ब्लैक कलर की डायोड है, जो कि हमारा एसएमडी डायोड होता है, और इसका दोनों तरफ में दो लेग होता है। तो ये दोनों लेग में हम मल्टीमीटर की दोनों प्रोब को लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कोई भी साउंड नहीं आ रहा है और कोई भी वैल्यू नहीं आ रहा है। तो अभी हम इसको उल्टा करके लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको लगा रहा हूँ, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा वैल्यू आ रहा है लगभग 514, यानी कि ये डायोड हमारा सही है। तो अगर आप कोई भी डायोड को चेक करते हो, उसका एक साइड पर कोई भी वैल्यू, कोई भी साउंड नहीं आ रहा है, और दूसरे साइड पर वैल्यू आ रहा है, तो वो डायोड सही होगा। अगर उस डायोड को चेक करने के समय में आपको साउंड नज़र आ रहा है, उस मल्टीमीटर में साउंड सुनाई दे रहा है, तो वो जो डायोड होगा वो ख़राब होगा। तो इसी प्रकार से आप ये डायोड को चेक कर सकते हो। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा चार एसएमडी रजिस्टर है। ये रजिस्टर को मैंने आपको चेक करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हमें मल्टीमीटर को रजिस्टर के सेक्शन में लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, मैंने 200 पर लगा देता हूँ, सबसे कम में। और अभी मैंने ये पहला रजिस्टर को चेक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मल्टीमीटर की दोनों प्रोब को लगाता हूँ, तो यहाँ पर हमारा एक रीडिंग आया और चला गया। तो अभी हम ये मल्टीमीटर के सिलेक्टर को बढ़ाएंगे, तो 2000 पर लगा दिया। तो चलिए, अभी मैंने यहाँ पर फिर से लगाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा 1 किलो ओम की रजिस्टर है, क्योंकि ये हमारा 1000 से या फिर 1100 ऐसा दिखा रहा है। तो हम इसको 1 किलो ओम की रजिस्टर मान सकते हैं। उसके बाद ये सेकंड रजिस्टर को चेक करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारा कोई भी वैल्यू नहीं दिखा रहा है, तो हमें मल्टीमीटर के सिलेक्टर को बढ़ाना पड़ेगा। तो 20K पर लगा दिया हूँ। तो चलिए देखते हैं इसका वैल्यू कितना है।
तो देख सकते हो 9.60 इसका वैल्यू है, यानी कि 9.59 या फिर 9.60 ओम बोल सकते हो। और उसके बाद ये रजिस्टर की वैल्यू को चेक करते हैं, तो देखिए इसका वैल्यू बहुत ही कम है, तो हम इसको 200 पर सिलेक्ट करते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा लगभग 20 ओम की रजिस्टर है, बहुत ही इसका वैल्यू कम है। और उसके बाद ये हमारा लास्ट रजिस्टर है, तो इसका वैल्यू मैंने आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये वैल्यू दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमें इसका सिलेक्टर को बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने बढ़ा देता हूँ, यहाँ पर 20 के पर सिलेक्ट कर लिया हूँ। और चलिए अब हम चेक करते हैं, तो फिर भी नहीं दिखाई दे रहा है इसका वैल्यू, और भी बढ़ाते हैं। लगभग मैंने 2000 के पर सिलेक्ट कर लिया हूँ, और अभी देखते हैं कितना वैल्यू है इसका। ये देख सकते हो दोस्तों, ये हमारा लगभग 1500 किलो ओम की रजिस्टर है, यहाँ पर देख सकते हो इसका वैल्यू कम हो रहा है, इस प्रकार से देख सकते हो। ये हमारा लगभग 1 मेगा ओम या फिर 0.5 मेगा ओम की रजिस्टर है, ये रजिस्टर सही है दोस्तों। इस प्रकार से वैल्यू अगर आएगा तो रजिस्टर सही होगा, अगर कोई भी वैल्यू नहीं दिखाएगा तो रजिस्टर ख़राब होगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार से आप ये जो एलईडी बल्ब की ड्राइवर होता है, इसमें जितने भी कंपोनेंट्स होता है उसको मल्टीमीटर के दौरान चेक कर सकते हो। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में जो बेल आइकन देख रहे हो उसको प्रेस करके ऑल पर दबा देना, ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए मैं रहता हूँ, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।